वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इनकोडर देखेंगे, ठीक है। डिकोडर का ऑलरेडी हम लोग फुल वीडियो, कंप्लीट वीडियो वन बाय वन बना चुके हैं, तो अब इसमें इनकोडर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार डिकोडर को रिवाइव कर लेते हैं, ठीक है। डिकोडर, सॉरी। तो डिकोडर क्या होता था? दैट इज ऑल्सो ए कम्बिनेशनल सर्किट। उसमें क्या आता था? एन इनपुट लाइन होता था और हमारा जो आउटपुट जो मैक्सिमम होता था वो क्या होता था? टू टू पावर एन होता था, ठीक है। एन क्रॉस टू टू पावर एन, राइट। लेकिन इनकोडर में हमें क्या है ना कि जो इनपुट होंगे ना वो टू टू पावर एन इनपुट होंगे, टू टू पावर एन इनपुट होंगे, और जो आउटपुट होंगे आउटपुट वो एन होंगे, ठीक है। तो टू टू पावर एन इंटू एन इनकोडर, राइट। ठीक है। सो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए हमें 4:2 इनकोडर देखना है। इसका मतलब क्या होगा? 2:2। सो देखो, ये हुआ 4:2 इनकोडर। सो मान लो यहाँ पे i3, i2, i1, i0 है, ठीक है। और हमारे पास जो आउटपुट होंगे कितने होंगे? दो होंगे, d1 मान लो और d2, ठीक है। सो इसमें क्या होता है ना दोस्तों, जिस बार लाइन पे वन आएंगे उसको सेलेक्ट करके उसको बाइनरी बिट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इनको उधर जैसे मैं ट्रूथ टेबल से दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे मैं ये इनेबल सिग्नल भी दे दो, जैसे हमारा डिकोडर में होता था। तो देखो, अब यहाँ पे हम देखते हैं इनेबल सिग्नल i3, i2, i1, i0, राइट, एंड देन d1 एंड देन d2, दैट आर आउटपुट। सो ये है ना, ये फोर इनपुट है, लेकिन पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें बनेंगे कितने? 2:4। लेकिन कुछ जो स्टेट हैं वो अनयूज्ड स्टेट होते हैं, तो उसको हम नहीं लेंगे। हमें सिर्फ जिस वाले में वन आएंगे उसमें, जैसे मैं मान लिया जाए यहाँ पे वन है तो इसे सेलेक्ट करना है, इसे सेलेक्ट करना i3 को, तो i3 को वन, बाकी सारे ज़ीरो होंगे। और जो इनकोडर क्या करेगा, i3 को बाइनरी बिट में कन्वर्ट कर देगा। तो i3 तो थ्री है ना, थ्री को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा? ये कर देगा, समझ में आया। और ये इनेबल सिग्नल हमें रहेगा वन ही रहेगा, यहाँ पे वन रहेगा, ठीक है। अब आते हैं i2 को सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे वन रहेगा, बाकी हमारा ज़ीरो रहेगा। तो i2 है तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो टू ये हो जाएगा। फिर i1 को सिलेक्ट करना तो ये वन हो जाएगा, तो ये 0 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 0 0 1, तो ये i0 है ना, तो इसको 0 0 कर देगा। ये हमारा इनकोडर का फंक्शन। अब यहाँ पे अगर इनकोडर 0 हो और ये हमारा कुछ भी वैल्यू हो तो यहाँ हाई इम्पीडेंस स्टेट रहेगा, ठीक है। जेड जेड जेड, सॉरी 2 जेड, d1 d2, हाई इम्पीडेंस स्टेट। तो बेसिकली जिस वाले इनपुट को सिलेक्ट करना है उसको बाइनरी बिट में कन्वर्ट कर देता है इनकोडर, ठीक है। तो ये 4 बिट में यूजुअली हमारे कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 2:4 बनते हैं, लेकिन हमें जो यूज स्टेट है उसी को लेना है। ये अब इसका हम लोग सर्किट देखते हैं, ठीक है, सर्किट देखते हैं। सो एक इनेबल सिग्नल था और एक i3, i2, i1 एंड देन i0, ठीक है।
तो डी हमारा आउटपुट कहाँ कहाँ पे आ रहा था? डी हमारा जो आउटपुट आ रहा था जब I3 I2 1 था, तो हमारा D1 आ रहा था। देखो D1 हमारा यहाँ कब कब आ रहा था? जब हमारा I3 और I2 1 था, तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। सो I3 I2 और इनेबल सिग्नल तो रहेंगे ही, ठीक है। AD1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे हमारा D2 कब कब आ रहा था? 1, राइट। एक यहाँ पे आ रहा था और एक यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। जब I3 और I1 1 था, ठीक है, I3 और I1 1 था और इनेबल सिग्नल रहे, ये और गेट है, ठीक है, दोनों, ये D2। तो देखो हम लोग इनकोडर अच्छे तरह से समझ गए। इतने 2 to power n इनपुट होते हैं, n आउटपुट, तो 4:2 सिंपल इनकोडर बनाए, और सभी इनकोडर इसी तरह से बनेंगे, ठीक है। अगर हमें 8 बीट का ले हो ना, तो ऐसे होगा 7 से लेके I0 तक होगा, तो इसमें 1 जब यहाँ होगा तो उसको बाइनरी बीट में D3 D2 और D1 रहेगा, तो उसको बाइनरी बीट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि इसमें 1 था, 3 3 पोजीशन पे किया था, तो इसको 3 बना दिया था बाइनरी बीट में, इसी तरह से, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।